Uh, जी मेरा नाम डॉक्टर तालिया जगत है uh, मैं एक पीडियटिशन हूँ और एक पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ uh, मैं काम करती हूँ फ़ाइव हेल्थ एंटरप्राइज़ेज़ में एज अ पार्टनरशिप्स लीड फ़ाइव हेल्थ एंटरप्राइज़ेज़ जो है वो एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलाता है हम कराची में राइट नाउ करेंटली बेस्ड हैं वी डायरेक्ट वी बेसिकली वर्क डायरेक्टली विद स्कूल्स एंड वी प्रोवाइड देम विद हेल्थ फैसिलिटीज़ इसका मतलब ये कि हम इन कैंपस स्कूल्स के लिए इन फर्मरीज बनाते हैं हम एनुअल स्क्रीनिंग uh, करते हैं स्कूल्स में और हम डायरेक्टली काम करते हैं हेल्थ एजुकेशन और प्रमोशन में विद इन द स्कूल तो हम एक सपोर्ट सिस्टम है स्कूल्स uh, के लिए एस ओ पी एम्प्लीमेंटेशन विल स्टार्ट फ्राम द हाउस एंड देन इन टू द स्कूल सो माई एडवाइज टू पेरेंट्स के आई थिंक वी शुड वर्क टूगैदर एंड अंडरस्टैंड क्या वो कौन से स्टेप्स हैं जो आपको भी लेने चाहिए बिसाइड्स के स्कूल क्या ले रहा है तो बच्चों को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इनको एजुकेट कीजिए कि मास्क पहनना ज़रूरी है लेकिन ये मत भूलिए कि क्यों ज़रूरी है वी टेन टू फर्गेट दैट पार्ट तो एक्सप्लेनिंग दैट टू दैम कि डिजीज़ क्या है इफ़ यू जस्ट एक्सप्लेन टू दैम कि डिजीज़ क्यों है वो कैसे लगेगी उनके अंदर ये बात इंस्टिल करना है कि अपने घर से आप पानी की बोतलें जो हैं और खाना जो है आप घर से इनको देंगे दे वॉन्ट बी बाइंग इट फ्रॉम द कैंटीन दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू द सेकेंड थिंग यू कैन डू इज़ टेक अवे देर फियर मेक देम अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी इज़ इन दिस टुगेदर एंड इसके साथ साथ डिस्टेंसिंग कैसे रखनी है क्योंकि अब बच्चे जो हैं बच्चे बहुत सोशल होते हैं तो जनरली अब हाथ नहीं मिला सकते वो हग नहीं कर सकते दे कांट दे कांट गो वेरी क्लोज टू देर फ्रेंड्स दे कांट प्ले स्पोर्ट्स तो ये चीज भी याद रखें कि उन पर क्या नेगेटिव एस्पेक्ट इसका जाएगा मे बी एडजस्टमेंट में इशूज होंगे सो वट यू कैन डू दैट वट यू कैन एक्चुअली डू इज कम्युनिकेट विद दैम उनको कॉन्फिडेंस में लें उनके साथ बैठें उनको ये बताएं कि अगर आप से, स्कूल में ये फील करते हैं कि फॉर इंस्टेंस हमें समझ नहीं आ रही और वी एस केयर्ड दे कैन कॉल यू अ कंपनी दैम टू द स्कूल द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ के यू शुड ऑल्सो गो एंड सी वट द एस ओ पी इम्प्लीमेंटेशन इज वॉट एवर बींग डन एंड मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू आर सैटिस्फाइड योर सेल्फ इज़ वेल लेकिन इसका ये मतलब नहीं है

डायरल डिजीज़ेस डिवेलप हो सकती हैं इसके साथ साथ टाइफॉइड Uh, का भी रुझान ज़्यादा बढ़ सकता है पॉपुलेशन के अंदर जो हमारे साथ एक कोगजस्टिंग कोविड चल रहा है उसके साथ ये चीज़ें शो हो सकती हैं uh, तो कुछ स्टेप्स हैं जो हमें ये याद रखते हैं कि बच्चे जब हमारे स्कूल वापस जाएंगे और अगर उनको फीवर uh, प्रेजेंट करता है फॉर इंस्टेंस तो सबसे पहले तो घर में एक चीज़ भी इख्तियार कर लें कि आपको घर में भी टेम्परेचर चेक करना है बच्चे का बिफोर यू सेंड देम टू तो स्कूल uh, अगर आपको टेम्परेचर फाइंडिंग मिलता है तो बच्चे को घर रखेंगे लेकिन ये चीज़ भी देखें कि अगर डायरिया के साथ बच्चा प्रेजेंट करता है तो वो बहुत को एग्जिस्टिंग सिम्टम है विद कोविड क्योंकि कोविड के अंदर भी डायरिया प्रेजेंट कर सकता है इसके लिए कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी वो ये है कि एक तो बच्चों का जो बाहर का खाना है उसको प्लीज़ बंद कर दीजिए मेक श्योर देट देर हैविंग होम कुकड फूड जो हमारी हैंड वॉशिंग का कंपोनेंट है जो हम कहते हैं कि आप खाने से पहले भी हाथ धुलवाएँ खाने के बाद भी हाथ धुलवाएँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेंटी सेकेंड्स का जो हैंड वॉशिंग का चीज़ है उसको आप एग्जीक्यूट करें एज अ गेम और एज अ सॉन्ग सो के जरा काइंड ऑफ इनकरेज कि वो अपने हाथ धोएं